डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर रोहड़ू में अब तक 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज दाखिल हुए हैं, जिनमें से 51 मरीज नेगेटिव होकर घर चले गए हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर दिलीप शर्मा ने कहा कि डीसीसीसी रोहड़ू में अब सिर्फ 7 मरीज उपचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि डीसीसीसी रोहड़ू में अब तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज शिमला रेफर नहीं किया गया है और न ही कोविड-19 से किसी की मौत हुई है। डॉक्टर दिलीप शर्मा ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन खान पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सिविल अस्पताल रोहड़ू में ट्रूनॉट मशीन से अब तक 203 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 9 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 194 मरीज नेगेटिव निकले हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रोहड़ू से दशमी रावत।